गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स फास्ट ट्रिक यानी मैथ एफटी में आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत है। ये क्लास 10 की ट्रिगोनोमेट्री लेके मैं आया हूँ। क्लास 10 याद रखें आप, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बचा हुआ हिस्सा था, आपकी तरफ से कोई कमेंट मिला नहीं कि कौन हिसाब कौन मैथ आपने सॉल्व किया, कौन मैथ आपसे सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए जो बचा हुआ हिस्सा था वो मैं लेके आ रहा हूँ। ये ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला है जो शायद पहले से आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ इस फार्मूला को कैसे याद रखेंगे। हमने बोर्ड पे लिखा है ये 6 एक्सप्रेशन है ट्रिगोनोमेट्री का, ये 6 ही फार्मूला है, इसी फार्मूला पे पूरी ट्रिगोनोमेट्री नाचती है। देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, या कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, टैन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, ऐसे देखें आप, ऐसे देखें, टैन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, या कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टैन ए, या कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए, या सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए, सब एक दूसरे का उल्टा है। एक तरीका तो ये है कि ये साइन है तो कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा, टैन है तो कॉट होगा, कॉट है तो टैन होगा, कोसेक है तो सेक होगा। नाम देखिए मिलता जुलता है, सेक है तो कोसेक होगा। एक तरीका ये है समझने का कि साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन होगा। जब ए का उल्टा बी होगा तो बी का भी उल्टा ए होगा, यही बात समझना है। साइन कॉस हो गया, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होगा, कोसेक का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोसेक होगा। कैसे होगा वो आप देखिए इस वीडियो पे, बने रहे, स्किप करके भागे नहीं। कोरोना का पीरियड है, देखते रहें, स्कूल कॉलेज ट्यूशन ट्यूशन कोचिंग सब बंद है। देखिए आप इसको याद करने का फॉर्मूला, या देखिए इसको कैसे याद करेंगे, रटने का काम नहीं है। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर बताया है कॉस ए, ये कैसे याद रखेंगे उसको देखिए। साइन 90 डिग्री माइनस ए आगे बराबर क्या होगा, इसका आई एन हटा दीजिए और सी ओ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कॉस ए। 90 डिग्री का माइनस ए, ये एंगल हो जाएगा कॉस ए, इसका आई एन हटा दीजिए और इसके पहले सी ओ जोड़ दीजिए, एस को रहने दीजिए, तो सी एस सी ओ एस ये हो गया कॉस ए। दूसरा का देखिए, जहाँ ऑलरेडी है कॉस 90 डिग्री माइनस ए, इसको नहीं कुछ कर सकते हैं, ये साइन ए के बराबर होगा। तीसरा देखिए कि जैसे टैन ए है, टैन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, इस टैन को ए एन को हटाइए, इनके पहले सी ओ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कॉट ए, यही डिग्री होगी, यही एंगल होगा कॉट ए। अगर कॉट दिया हुआ है, मान लीजिए कि कॉट दिया हुआ है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ ऑलरेडी सी दिया हुआ है, ये अपनी जगह पे टैन ए ही होगा। ठीक, आगे देखें आप, याद करने का बेहतरीन तरीका। पांचवा देखें आप, जैसे है सेक, सेट 90 डिग्री माइनस ए, इसमें सी ओ नहीं है, सी ओ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये बराबर हो जाएगा कोसेक। छठा देखिए, कोसेक में ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस ए, ये बराबर होगा सेक ए। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके इसे ट्रिगोनोमेट्री के 6 एक्सप्रेशन में अगर सी ओ नहीं है तो सी ओ जोड़ दीजिए, सी ओ अगर है तो सी ओ हटा दीजिए, उसका टेक्निक देखिए, इसमें सी ओ नहीं है, सी ओ जोड़ दिया, सी ओ है हटा दिया, टेन में देखिए सी ओ नहीं है, सी ओ जोड़ दिया, यहाँ सी ओ है हटा दिया, सेक में देखिए सी ओ नहीं है, यहाँ सी ओ जोड़ दिया, यहाँ देखिए सी ओ है हटा दिया, इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। इसी 6 पे सारा हिंदुस्तान तय होगा। ठीक, आइए आपको दो सवाल बताते हैं, बने रहे वीडियो पे, वीडियो छोड़ के भागे नहीं, भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्कूल बंद, ट्यूशन बंद, कोचिंग बंद, सब कुछ बंद, सिर्फ खुले हैं तो आप खुले हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को देखिए। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एक, आइए सवाल नंबर पहला देखिए, ये बोलता है इवेल्युएट, इवेल्युएट का मीनिंग होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इवेल्युएट का मतलब हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनका वैल्यू आपको निकालना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ऊपर डिग्री का चिन्ह है, जो पॉइंट डाला हुआ है वो डिग्री है, एंगल है एंगल, एंगल को डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, इनको बनाने के लिए देखिए कैसे आसानी से हल करते हैं।
ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री को, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को आप कितना लिख सकते हैं, 90 ऐसे लिखिए आप, साइन 63 डिग्री को, साइन 63 डिग्री अब माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं आप, इसलिए कि 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 होगा, ठीक लिख सकते हैं हम, प्लस आगे वाला साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इनको कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री अब माइनस 73 डिग्री, ये देखिए अब प्लस नेक्स्ट रेस्ट पार्ट को छोड़ दीजिए 73 डिग्री, ये देखिए 63 है 27 है, 90 में से 27 घटेगा तो 63, 90 में से 73 घटेगा तो ये 70 होगा, यही टेक्निक है। आगे देखिए आप ऐसे देखिए ये बराबर कितना होगा, ये देखिए आपको अभी फार्मूला बताया है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, यहाँ देखिए इसके पहले साइन है आई एन है, ये 90 डिग्री माइनस ए होगा, उसमें सी ओ जोड़ दीजिए, ये कॉस लगाइए, यहाँ स्क्वायर है तो इन पर भी स्क्वायर कीजिए, ये 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री ये बराबर होगा 27 डिग्री, ये कितना का बराबर होगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज़ रह जाएगा। नीचे आइए सी ओ है तो हटा दीजिए, हटाने पे ये साइन होगा, स्क्वायर में स्क्वायर लगाइए 90 माइनस 73 ये आपको होगा 73 डिग्री, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस ये होगा 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री अपनी जगह पे रहेगा, ठीक दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट स्टेप आइए, ये आपको समझाते हैं हम कि ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, इनको उठा के ऊपर लाइए, ये है कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, आपको एक फार्मूला हमने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर 1 होता है, दोनों पे स्क्वायर है और साइन है कॉस है, दोनों का एंगल बराबर होता है, इसका मान 1 होता है। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 ये दोनों का एंगल ऊपर नीचे, ये देखिए साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73 दोनों का एंगल बराबर है, तो ऊपर वाले पोर्शन का मान 1 हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन का मान 1 हो जाएगा, ये बराबर 1 होगा, यही इवैल्यूएट कहता था, इसका वैल्यू निकालिए तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सवाल नंबर 2 आपके बोर्ड पर रहा, इवैल्यूएट इनका वैल्यू निकालिए, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री कैसे निकलता है, ये देखिए बराबर साइन 25 को लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 65 है, ये आइए देखिए साइन 25 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 90 में से 65 घटाएंगे ये 25 होगा, कॉस को अपनी जगह पर रहने दे, कॉस 65 डिग्री अपनी जगह पर रहेगा प्लस कॉस 25 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं आप कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ऐसे डिग्री का निशान दें, आपको अभी बता के गए हैं कि अगर साइन लगा हुआ है 90 डिग्री के साथ है तो इसमें सी ओ जोड़ दीजिए, कॉस साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री ये बराबर होगा कॉस 65 डिग्री इंटू कितना होगा कॉस 65 डिग्री कहीं एक छूट गया क्या 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री है यहाँ आखिरी का ये पोर्सन, ये साइन 90 डिग्री माइनस 65 कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री अपनी जगह पर रहेगा प्लस यहाँ देखिए कॉस है सी ओ लगा हुआ है हटा दीजिए, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस इतना ये होगा 65 डिग्री, ठीक इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है ठीक, ये हुआ कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, दोनों का एंगल देखिए सेम है, ये है 65 65 दोनों कॉस है, ये साइन है ये भी साइन है, दोनों का एंगल बराबर है, ये बराबर कितना हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, अभी बता के गए फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1 के, दोनों का एंगल बराबर है, दोनों पे स्क्वायर है,
दोनों का एंगल बराबर है, दोनों पे स्क्वायर है, ये वन के बराबर होगा। यानी जब इसको इवेलुएट करेंगे तो दोनों में वन के बराबर आएगा। चलिए, दो क्वेश्चन हमने आपको बताया। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत होता है 10th क्लास का, तो चैप्टर नंबर डालें, एक्सरसाइज नंबर डालें, मैं उसका मैथमेटिक्स आपको वीडियो पे डाल के आप तक पहुंचा के आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। ऐसे अंदाजी किसको किसको डालें, कहाँ कहाँ डालें, हम तो एक जनरल चैप्टर उठाते हैं उसमें बनाते हैं। अगर आपको समझना हो, जानना हो, तो आप चैप्टर नंबर या उनका टॉपिक डालिए, मैं उस पर वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँगा। ये आसान से आसान ट्रिक मैं आपके पास लेके आता हूँ, अच्छा कंसेप्ट के साथ लेके आता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और दोस्तों के बीच शेयर करें, खुद लाइक करें और दोस्तों को कन्विंस करें लाइक करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप तक फिर अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए।